सुहेलो जी नमस्ते, के हाल चाल हो? आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल जो है गर्मियों का मौसम आ गया। जी हाँ, आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी ऐसा है कि मैं तैयार हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ कुल्लू की तरफ। दरअसल मैं कुल्लू इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल है एक शूट को करना है हम लोगों को, और उन्होंने थोड़ा सा लेट फ़ोन किया। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो अभी मुझे रवाना होना है कुल्लू की तरफ, एंड मैं तैयार हो चुकी हूँ, सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया है। तो लेट्स गो, कल का शूट देखते हैं कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। सो अभी ऐसा है कि चलो चलते हैं, बस पकड़ते हैं और कुल्लू पहुँचते हैं। तो आज कल ना मेरी जो जर्नी है वो सिर्फ भाग दौड़ की जर्नी है। कल फटाफट पहुँची शिवरात्रि से, फिर रात को पहुँची, फिर अभी फटाफट सोचा मैं रेस्ट करूँगी, बट रेस्ट करने को मिला नहीं। फिर से फ़ोन आ गया कि कल शूट है, तो लेट्स को काम तो करना पड़ेगा, है ना। सो चलो चलते हैं और काम करते हैं। सबसे पहले तो कुल्लू में पहुँचते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। बाकी मेरा जो सामान है वो पैक कर दिया है, सो लेट्स गो। तो गाइज, हमेशा की तरह इस वक्त मैं वेट कर रही हूँ, और हमेशा की तरह बस भी आ गई यार। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कुल्लू में, और अभी मैंने सीओ को फ़ोन किया। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे क्योंकि आज मन नहीं है बनाने का, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं कल शिवरात्रि के भी, और उतना अच्छे से आराम नहीं मिल पाया। तो अभी मैं पहुंची हूँ बस स्टैंड में, तो सीओ भी आ रही है नीचे को, तो आज डिनर बाहर ही करते हैं। तो लेट्स गो, आपको सीओ से भी मिलाते हैं, देखते हैं अभी क्या खाते हम क्या नहीं खाते। सो चलो, तो अभी मैं कर रही हूँ सीओ का वेट। दरअसल हम लोगों का प्लान ऐसा हो गया कि हम खाना वगैरह यहीं खाएंगे नीचे, ऊपर जो है सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो अभी उसका वेट कर रही हूँ। सीओ जो है वो पहुँच गई है, आप देख सकते हो पीछे। हाय सीओ, मिलो मेरी फैमिली से, चलो। सो ये सीओ है, अगर आप इसको जानते हैं तो हाय करो। तो अभी हम खाना खाने जाते हैं। फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया है, आज हमने बाहर ही डिनर कर लिया। तो आज मुझे डिनर करके बहुत मजा आया क्योंकि यहाँ पे कुछ मजा है। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने डिनर कर लिया है आज। पहले आप अपना कैमरा साफ कीजिए। कोई बात नहीं, मेरा कैमरा साफ ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, और अभी तो रिलैक्स होके आराम से अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे, देन कल शूट के लिए निकलेंगे। सो ये कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग शूट के लिए, लेट्स गो ना। सो गाइस, मोए मोए हो चुका है यहाँ पे। ओ भाई जी, थूक ला। भाई जी भगी जाओ, तुसे ऐसे ऐसे कोल मत आओ। सेटने में तू भाई जी भगी जाओ। हां नहीं यार, कुछ आता है अपना। ओ भाई जी भागो, एड़ा केड़ा हो तुसे। बड़का जी चले जाओ अपने घर, आ एड़ा केड़ा हो रे। तू अब अच्छा लग रहा मारा जूठा खाना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जी हाँ, शाम को थोड़ा सा हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू ना रख पाए बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, एंड थोड़ा बहुत काम भी था। फिर मैंने सोचा चलो सुबह ही स्टार्ट करते कंटिन्यू। तो आज की शुरुआत हो रही है बहुत ही खूबसूरत, और काफ़ी अच्छी धूप लगी है। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, अपना सामान वगैरह हम लोगों ने पैक कर दिया है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं शूट के लिए। तो अभी हमारा वेट कर रहे हैं, फटाफट चलते हैं, ढालपुर में पहुँचते हैं और बैठते हैं और शूट के लिए निकलते हैं, और आपको दिखाते हैं कि आज क्या शूट करते हैं हम और क्या नहीं शूट करते हैं। तो लेट्स गो। क्या है जो ग्राउंड है बिल्कुल खाली है, देखिए कोई भी नजर नहीं आ रहा है।
बहुत ही खूबसूरत। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँचे हैं दियार में और हमारे प्रभु दियार ठाकुर जी के हमें यहाँ पर दर्शन होने वाले हैं। अभी हम दर्शन करने वाले हैं हमारे प्रभु दियार ठाकुर जी के एंड त्रियुगी नारायण जी के, सॉरी दियार में हम लोग पहुँच गए हैं तो अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं त्रियुगी नारायण जी के एंड बहुत ही खूबसूरत। और मैं घर से ना मतलब फूल लेके आई थी और मैंने कहा था कि अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं ये फूल चढ़ाऊँगी, नहीं पहुँचेंगे तो कोई बात नहीं, पर दिखा मुझे ऐसा एहसास था कि मैं पक्का यहाँ पर पहुँचूँगी। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत, वाह कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मतलब हाइट पे और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है एंड बहुत ही खूबसूरत, वाओ। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ यहाँ पे, कैसा व्यू है। तो ये मंदिर है तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। और यहाँ पर है पीड़ावार रथ, देखिए मैं पहली बार रथ के लाइव दर्शन कर रही हूँ, प्रभु की जय हो। और चलो चलते हैं अब आगे की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शौंडा धार, कुछ करके नाम है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप लगी है भाई और ऐसा मन कर रहा है कि मैं जैसे धूप में ही बैठूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। पेड़ों के बीच में हम लोग आए एंड काफ़ी ठंड सी महसूस हुई, बट अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि प्रभु त्रियुगी नारायण जी के दर्शन हो गए आज, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पर एक अंकल मिले थे, वो बता रहे थे कि ये रथ बंद रहता है बट इस बार खुला है, पता नहीं क्यों, कुछ वजह होगी शायद, कुछ देवता का काम वगैरह होगा इस कारण, तो हमें तो दर्शन हो गए। कभी सोचा करते थे यार कि त्रियुगी नारायण के कभी दर्शन होंगे, सच में हुए। थैंक यू सो मच प्रभु इतना प्यार करने के लिए। अभी हम लोगों का काम जो है होगा शुरू, तो फटाफट काम करेंगे देन उसके बाद वापस निकलेंगे, तो लेट्स गो। कुछ ऐसी है, सभी हमारी टीम पहुंच गई है पूरी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, वाओ। क्या डर गई ये? अच्छा पहले भी किया, मैंने यहाँ छोड़ना था, मिले थे मेरे को। अच्छा उसी तरफ जाओ, चलो साहिल, चलो डिंपल, डिंपल आपका दक्षिण, दक्ष क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, आपका घर यहीं पे है फिर? स्कूल के बारे में। अच्छा लो करो आप लोग, बाय बाय नो सारे, अच्छा बाय करो। आज मजा आ रहा है शूटिंग देखने में, मजा आ रहा है, गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा, पढ़ते हो स्कूल में ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं एक बेहतरीन लोकेशन में, यहाँ पर हमें सीधा ही नजर आ रहा है घटसा वैली और पीछे देखिए हमारी पूरी टीम है। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अभी बहुत ही मस्त लोकेशन है, थोड़ी सी धूप भी चली गई है एंड काफ़ी गर्मी थी बट अब अच्छा लग रहा है, पेड़ काफ़ी हवा भी चली, देखिए यहाँ पर अभी शूट हो रहा है, ये देखिए क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, वाह। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा काम करते हैं देन उसके बाद आपसे बातें करते हैं। क्यों राजेश, राकेश मैं आपका नाम बोल जाती हूँ हमेशा, आरजे बोलो, आरजे मार्केट में आरजे आएगा, जी हाँ मेरे अच्छे दोस्त है ये भी। हाँ आज हम शायद कितने सालों बाद मिल रहे हैं? बिल्कुल 4-5 सालों बाद मिल रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट में होते थे ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर रहे हैं और अभी हमारा एक दो शॉट हो गए हैं अच्छे हुए एंड अभी नेक्स्ट थोड़ा सा लोकेशन चेंज करते हैं और नेक्स्ट शॉट देखते हैं कैसा होता है। बाकी उसके बाद दो एक शॉट बच गए फिर हो गया हमारा काम, सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो। Thank you.
कैसे कैसे भर के जा रहे हैं वापिस अपनी गाड़ी के पास। एंड आपने देखा होगा काफी अमेजिंग है भाई, अभी हमारा शूट हो चुका है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक या दो शूट रहे, बाकी काम हो गया, डन, लेट्स गो। हाय, बहुत मजा आ रहा है ना, और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। और ये कबाड़ कबाड़ नहीं, ये मुझे इतना प्यारा पत्थर लगा, मैं इसको अपने घर ले जा रही हूँ और इसमें पेंटिंग करूंगी, बिकॉज आई लव। रात में इसको ना पत्थर कम पड़ रहे हैं, जो बाढ़ में इतने सारे पत्थड़ा जो पत्थर आए ना वो इसे बहुत ही कम लग रहे हैं। तो गाइज कुछ ही टाइम पे मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, कंटिन्यू रखने वाली हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख के इसकी फोन में काम करके है, लेकिन इनके ब्रेक ही लग रही है, शायद ये लर्निंग कर रहे हैं, अभी लर्न कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग चलाना। तो अभी यहाँ है, अभी ऐसा है कि अभी हमारा नेक्स्ट शॉट होगा, सो शॉट यहाँ पर, थोड़ा सा शॉट यहाँ पर लेंगे, देन उसके बाद एक शॉट लास्ट रहेगा, वो थोड़ा सा आगे होगा, बट भाई फिर हमारा जो शूट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग बहुत ही मेहनती है, सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं काम, बाकी बात आपसे बाद में करते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्लम है उसमें फ्लावरिंग भी हुई है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखिए प्लम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है और इतनी ज़्यादा प्यारी स्मेल है कि मैं क्या बताऊँ। इसका बगीचा है, बट जिसका भी है वाओ बहुत अच्छा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो थोड़ा सा शॉट यहाँ पर लेंगे, देन हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल में, तो अभी जो लास्ट शूट होगा वो होगा हमारा मॉल में ही, जी हाँ। तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं मॉल में, एंड मॉल नेचर पार्क है, अभी हम पहुंच चुके हैं। एंड ऊपर जो है वो थोड़ा सा ट्रक का जो मतलब ट्रक फंस गया था, उस वजह से हम लोगों को दूसरे रोड से आना पड़ा, कच्चे रोड से, पर चलो नो प्रॉब्लम, हम पहुंच गए जैसे तैसे। तो हमारी फाइनली हाँ एंटर हो चुके हैं हम यहाँ पे, तो आओ शूट करते हैं। किस्मत दे मारे ऐसी की करिए कुछ, हाँ बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, सिया की भी है, सियों की भी यादें बहुत सी ताज़ा हो गई है पार्क में आके, अच्छा लगता है, बैठना भी अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा बनाया है यहाँ पर नेचर, वाओ। So बहुत ही ज्यादा लंबी इच्छा मांगते हुए नजर आ रहे हैं तो माहौल नेचर पार्क में। क्या कर सकते गाइस, मांगनी पड़ रही है और कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पर, इधर भी बनना बच्चे की, तो अरे सॉरी यहाँ पर कोई बात नहीं, उसके बाद हमारा ये लास्ट शूट है और जो शूट में ये चाय वाला ही शूट है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे, तो काफी अच्छा लग रहा है। चेस चेस कर चेस। हम लोग लास्ट शॉट जो है वो शूट करने वाले हैं और कंप्लीट हो जाएगा हमारा शॉट, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरह, इतना मजा आया आज के क्या बताऊं। सो गाइस फाइनली हमारा जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त हो रहा है, हमारी पूरी टीम है, बहुत ज्यादा मजा आया, आज का दिन बहुत अमेजिंग था, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाय 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 करो।